सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और हम हरि बाबा बांध पर ही ठहरे हुए हैं और नई वीडियो आप लोगों को दिखा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो इस वीडियो में शेयर करेंगे आप लोगों को हरि बाबा के जो यहाँ गौशाला है वो कितनी बड़ी है, कितनी गाय उसमें है और किस तरह से उनकी सेवा की जाती है, क्या क्या उनके लिए खर्चा होता है, किस तरह से यहाँ के सिस्टम को मैनेज करते हैं वो आप लोगों को दिखाने वाले हैं। भाई, मंदिर की अगर बात करें तो कई बिघे में, कई सौ बिघे में ये फैला हुआ है। बैल कैसे जिंदा किया? यही है, इनको अंकल जी ने विधायक जी के नाम से पुकारा था। आई डोंट नो इनका रियल नाम क्या, जानेंगे। और ये है गौशाला यहाँ, और बहुत यहाँ कहीं ना कहीं क्षेत्र में गौशाला है और मंदिर धर्मशालाएं वगैरह हैं। अच्छा, ये कौन से गांव से सटा हुआ है आपका जो गांव है? मोनंगपुर में। आपका जो जिला लगता है वो संभल लगता है और कस्बा जो है गमा लगता है। तो भैया जी, ये जिले से जिला संभल के कस्बा गमे के बिल्कुल सटीक आसपास है और यहीं पे जो है ये कितने बीघे में बनी होगी अंकल गौशाला? और टोटल अगर एरिया की बात की जाए मंदिर के और गौशाला के, अच्छा पीछे को भी गौशाला ही है, दसियों बीघे से ज़्यादा गौशाला बनी हुई है फिलहाल, सब चरने जा रखी होंगी शायद। अच्छा, इनके चारे वारे का सिस्टम कैसा रहता है, इनका मोल आता है या है? अच्छा, तो इन लोगों ने इनकी सेवा के लिए मजदूर वगैरह पे रख रखे हैं लोग? अच्छा, आपका नाम क्या है, शुभ नाम? वैसे शुभ नाम मेरा गोफी यादव कहते हैं। गोफी यादव, तो कोई ये भूस के हॉल है। अच्छा, सामने जो है ये सारे स्टोर रूम है, यहाँ भूस इकट्ठा कर रखा है लेके। अच्छा, इनके लिए इकट्ठा कर रखा है। तो यहाँ पे जो गौशाला है कितने बीघे में बनी होगी? लगभग 8 बीघे में है गौशाला। 8 बीघे में जी। तो इनके लिए भूस वगैरह लेके मोल दे सब एक्स्ट्रा, देखो ये सारा सारा पड़ा है। ये इधर आप देख सकते हैं साफ साफ, काफी बड़ा हॉल बना रखा है। 525 गाय भी है हमारे पास। 525 गाय है टोटल जी। भाई, इतनी बड़ी गौशाला मैं पहली बार देख रहा हूँ जिसमें सब ये सारे इनका चारा खाने की व्यवस्था है इधर। अच्छा, इसको किस तरह से मैनेज करते हैं आप, जैसे 525 गाय बता रहे हैं आप? सेवक लोग हैं हमारे। अच्छा, घने सारे सारे। कितने लोग होंगे इनकी सेवा के लिए? सब लोग बाहर है। बाहर है, तो ये चार्ज वगैरह लेते हैं? चार्ज मंथली सैलरी वगैरह पे रहते हैं? 6000 रुपये महीना है। 6000 रुपये महीना। 6000 रुपये। तो लोकल के हैं या कहीं बाहर के? लोकल के भी हैं, कुछ अपने यहाँ के ही हैं। अच्छा अच्छा, ये ट्रैक्टर वगैरह है। अच्छा, तो सारे का जो खर्चे का जो सिस्टम है वो हरि बाबा फंड से ही आता होगा? जी जी, हरि बाबा आश्रम से ही आता है। अच्छा अच्छा, ये सब लोग, सब लोग हमारे, सब 12 लोगों का आपका स्टाफ है और आप उनकी देख रेख में रहते हैं? अच्छा, ये सब भक्त लोग हैं यहाँ। अच्छा, ये सब भक्त लोग हैं इधर, खाना दाना खा रहे हमारे बच्चे रहे। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। और देखो ये जो दूध वाली गाय है ये इनकी जगह है, तो जो गाय दूध वगैरह देती हैं उनका उनके लिए अलग है, उनके लिए स्थान अलग बना रखा है जी, अलग। तो ऐसी गाय हमारे पास कितनी होंगी जो दूध वगैरह देती हैं? लगभग ऐसी है हमारे पास 50 गाय। 50 गाय ज़्यादा दूध वाली, ज़्यादा दूध वाली। और नॉर्मल दूध वाली उनका कालते ही नहीं है? या लगभग उनका काटते नहीं है, 150-200 गाय। 150-200 गायों का दूध कालते नहीं है? ये जो है चुनिंदा गाय हैं ये, उनमें से कुछ, ये कुछ बुढ़ी गाय है। अच्छा, कमजोर हालत देख सकते हैं, ये पुराना बैल है, काफी भी तकड़ा शरीर का है ये गाय। मतलब बड़ी बड़ी गाय इसका दूध पी लेती है, इसलिए इसको अलग रखते हैं। अच्छा, बड़ी गाय भी दूध पी लेती है इनका? अच्छा अच्छा, और इधर है वो दूध पीने वाले जेंगर। तो इनका जो दूध है वो तो आश्रम में सेवा है, सब आश्रम के काम सब आश्रम के काम आता है, जैसे यात्री लोग आने वाले उनके लिए। अच्छा, सब निःशुल्क बड़ी। और देखो इसे दूध पीने वाले बच्चे आओ भीतर घुमा लाओ। चलिए, तो फिलहाल हम लोग भ्रमण कर रहे हैं हरि बाबा की जो गौशाला है, उस गौशाला में 525 गाय हैं और यादव जी जो हमको उसमें भ्रमण करा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं और किस तरह से ये मैनेज करते हैं, टोटल कितने लोग हैं आप लोगों ने दे जाना होगा। बने रहिए, कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान है, बड़ा बलिदान है इन लोगों का जो यहाँ डटे हुए हैं। 6000 की जो सैलरी है वो कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं होती है आज की डेट में, बहुत जिसमें कहा जाता है मेहनत कर रहे हैं लोग और जो इसमें का घर भी नहीं चल पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो भाव है सेवा भाव से ज़्यादा टिके हुए भाव से सब लोग। ये लगा दियो, लगा दियो कभी गाय निकल जाए। ये एक अंदर जाके यहाँ टीन टूट गई है जी, बारिश वगैरह से अब सही कराएंगे। तो यहाँ जो है जो गाय वगैरह ब्याए हैं उनके जो है जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं
देख सकते हैं आप गाय देख कर जो एक तरफ जा रही। अच्छा यहाँ टोटल सारे छोटे बच्चे इकट्ठे कर रखे हैं, ये सब दूध पीने वाले बच्चे हैं। अच्छा जो गाय दूध दे रही है उनके बच्चे हैं। तो इनको कैसे करते हैं कि इनको अगर दूध की जरूरत पड़े तो? दूध की निकालेगी तो सारे के सारे एक एक करके निकाल देते हैं, उस गेट पर खड़े हो जाते हैं, जो निकल जिसका दूध निकालना है उसे भीतर बांट देंगे, बकाया यहाँ खड़े। अच्छा जैसे माँ ये पहचानते कैसे होंगे कि ये मेरी माँ है? सब गाय सबको पहचान रहती है, अपना भाग जाता है। देखो जी हमारे बूढ़े भगत जी हैं। अच्छा ये यहाँ सेवा करते हैं जी। देखिए बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, फिलहाल मासूम से पीछे डर रहे हैं। ना, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं और यहाँ सब जो है बोल रहे हैं कि अपना आप शाम को जब दूध पीने का नंबर आता दूध खा लें तो ये सब बारी बारी से यहाँ दूध पीते हैं। टोटल कितने बच्चे होंगे? लगभग हैं करीब 80 बच्चे हैं। 80 बच्चे आसपास गंगा जी के जंगल में चरने गई हैं। बाकी की जो गाय हैं वो गंगा जी के जंगल में चरने गई हैं, तो उनको लोग गए जा रखे होंगे साथ ही अपना आप करके आ जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, हमारे तीन लोग हैं संग हैं, तीन ग्वाला हमारे संग हैं। अच्छा तीन ग्वाला उनके संग हैं गायों के। ये नाच की होती है, इसमें राशन जो राशन खिलाया जाता है। अच्छा सानी वगैरह के लिए जी, जिसको ढक कर रख रखा है जी, बंदर इसमें नुकसान कर देते हैं। ओह सही सही, वजह से इसको ढक के रख रखा है, बंदर वगैरह खाते होंगे इसको। पानी चीनी के पिलाया जाता है आज। तो हमने आप लोगों को पूरी गौशाला का भ्रमण कराया, पूरी जानकारी आप लोगों को दी।